Let us now begin with the seventh chapter that is Sports and History. So, in this particular chapter, we shall be discussing some points. The points are as follows 7.1 Importance of Sports, 7.2 Types of Sports, Globalization of Sports, Games and Materials, and Toys, 7.5 Toys and History, 7.6 Sports, Literature, and Movies, 7.7 .7, Sports and Professional Opportunities, and so on. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन से स्पोर्ट का हिस्ट्री में क्या रिलेशन था या फिर स्पोर्ट्स और हिस्ट्री किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है जैसे कि हम जान रहे कि हम लोग टेंथ में अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं सो वॉट काइंड ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री इज़ यूज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड दैट इज स्पोर्ट्स सो लेट इस बिगिन सी स्पोर्ट्स कंबाइन एंटरटेनमेंट एंड द फिगल फिजिकल एक्सरसाइज तो स्पोर्ट्स में एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और फिजिकल एक्सरसाइज मतलब वो बॉडी के लिए एक फिजिकल फिजिकल एक्सरसाइज की तरह भी होता है टू प्ले इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टेंट हैंस द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बिगिंस विद द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड तो किसी भी इंसान के लिए खेलना एक इंस्टेंट की तरह होता है जैसे इंसानों में होता है वैसे जानवरों में भी होता है हमने देखा है कई बार कि कई सारे जानवर खेलते हैं तो ये एक इंस्टिंक्ट है इंस्टिंक्ट का मतलब ये हमें इंटैक्ट uh, हमारे uh, जन्म से हमें होता है कि खेलना जो होता है वो एक ह्यूमन नेचर uh, को बताता है सीर। सो हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बिगिंस विद द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड तो मैनकाइंड की शुरुआती तौर से स्पोर्ट्स थे वेरियस गेम्स हैव बीन प्लेड सिंस द बिगनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन तो कई सारे ऐसे गेम्स थे जो मतलब बहुत पुरानी सिविलाइजेशन से चलते आ रहे हैं बहुत पुराने हैं खेल हंटिंग वॉज इंडीड अ वे ऑफ ऑप्टेनिंग फूड फॉर द एंशंट पीपल बट इट वॉज ऑल्सो लुक्ड अपॉन एज अ गेम तो पुरानी ज़माने में हंटिंग एक फूड ऑप्टेन करने का एक सोर्स तो था ही हम लोगों के लिए लेकिन जैसे टाइम गुजरा जैसे इंसान फूड को कुक करने से मतलब पकड़ के खाने से अच्छा है कि ग्रो करने लगे फार्मिंग करने लगे तो हंटिंग को एक खेल की तरह देखा जाने लगा पुराने ज़माने में तो पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के समय में हंटिंग एक खेल की तरह देखा जाता था तो राजा अपने कुछ सोल्जर्स को लेके हंटिंग के लिए जाता था वो बहुत ही एक अलग सा गेम माना जाता था हंटिंग तो पुराने ज़माने में हंटिंग को एक गेम की तरह देखा जाता था ये एंटरटेनमेंट भी होता था गेम भी होता था उसके बाद में द एंशंट इंडियन लिटरेचर एंड एपिक्स इक्स वेरियस गेम्स सच एज द गेम्स ऑफ डाइस ऑल्सो नोन एज द द्यूत रेस्लिंग हॉर्स चैरियट रेसेस एंड चेस तो इतने सारे खेल इंडिया में खेले जाते जैसे द्यूत था फिर रेस्लिंग था हॉर्स चैरियट रेसिस जिसे पे घोड़ों की रेस होती थी सिर्फ उनमें चैरियट्स पे प्रिंस और प्रिंस बैठा करते थे और रेस लगाई जाती थी और चेस था सो दिस इज बेसिकली अ स्मॉल पिक्चर ऑफ The famous Dyut game, which was play, played in ancient India, now this uh, game is quite similar to the modern game of Ludo. As you can see, the squares and circles there were some squares and some circles. Now, this uh, thing, these four objects that you can see of different colors, are like the pieces of this particular game known as the Dyut. So, this game was usually played between the uh, kings and the तो इस खेल को हम कहेंगे द्यूत ये एक द्यूत का एक खेल है जैसे जो मॉडर्न जमाने में इस खेल को हम लूडो के नाम से जानते हैं तो पुराने ज़माने में ये खेल सिर्फ राजा और राजा रा, महारानियों के घर में खेला जाता था इसे एक रॉयल गेम की तरह भी जाना जाता था तो इन डाइस को रोल करके इन पर जो नंबर्स आते थे उनके टोटल करके द्यूत या फिर द्यूत खेला जाता था

this game was played between the kauravas and the pandavas so you know this is now uh, this was a very ancient game the next game is uh, horse uh, racing or horse chariot race now this game was also played between uh, actually not the kings and the queens but this game was a very special game it was played by the great warriors of two kingdoms ओके एंड द विनर यू टू टेक 1000 थाउजेंड के जी गोल्ड थाउजेंड हॉर्सेज और एलिफेंट्स सो इट वॉज लाइक दैट दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी रॉयल गेम इस गेम को भी बहुत रॉयल गेम माना जाता था हॉर्स काट रेसिंग जिसे बोलते थे दो जो राजा होते थे वो अपने अपने योद्धा मैदान में भेजते थे और उनके बीच में रेस होती थी तो जीतने वाला जो चाहे वो राजा से मांग सकता था या फिर राजा जो चाहे वो हरे हुए राजा से मांगता था

Uh, this is also wrestling okay one is mud wrestling and this is mat wrestling. So this is one of the very famous uh, Pavans from India. This is Sri Gama Pavan he was one of the renowned palwans in India. Now this is this is an old interpretation of chess. Now chess is very old this is the similar uh, what do you say in olden uh, times this particular th uh, things were used as the pieces of chess usually it were of this colour. लिटर इट किम टू व्हाइट एंड ब्लैक कलर एंड यू नो द नेम्स ऑफ द पीसेज दिस आर दोल्जर्स देन यू हैव दिस इज दॉर्स दिस इज द एलिफेंट द किंग द क्वीन एंड द सेनापति इन ऑल दोज थिंग्स तो पुराने जमाने में जो चेस खेला जाता था उन्हें इस तरह के पीसेस हुआ करते थे हम प्यादे भी कहते हैं इनके साथ चेस खेला जाता था तो चेस एक बहुत ही पुराना गेम है रेसलिंग बहुत पुराना गेम है हॉर्स चैरिट रेसिंग बहुत पुराना गेम है ये सारे पुराने गेम्स हैं जो इंडिया में खेले जाते थे ये सारे वो पुराने गेम्स हैं जो आज भी इंडिया में खेले जाते थे लेकिन एक मॉडर्न वेरिएशन के साथ दिस इज़ एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर देर आर अ नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर रेसलिंग एंड अदर स्पोर्ट्स द व्यायामशाला ऑफ फेमस रेसलर्स रेस्लर्स दादा एंड मानिक राव इट इज़ इन वडोदरा क्रीडा विद्यापीठ पटियाला स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स गांधीनगर खाशबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम दैट इज कोल्हापुर दिस इज अ वेरी फेमस ओडिसे तालीम मेनी ऑफ द ग्रेट रेस्लर्स ऑफ स्पेशली महाराष्ट्र एंड इंडिया कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस देन हनुमान व्याम प्रशंसक मंडल अमरावती श्री 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 शिव छत्रपति क्रीडा संकुल बालेवाड़ी दैट इज इन पुने सो दीज आर ऑल दोज ट्रेनिंग सेंटर्स where the other sports, wrestling as well as some of the given above sports are still played. They are taught to the younger generation as these sports are not only related with history, but they are rich in India history. So, sports and Greek is an ancient equation. The Greeks were the first to standardize the rules of sports and organize them systematically. They started sports competition of discus throw, horse and chariot races, wrestling and boxing, etc. तो ग्रीक लोग जो पहले थे जो जिन्होंने सारे गेम्स को एक स्टैंडर्ड पोजीशन पे ला के खड़ा कर दिया था ओलंपिक गेम्स का चयन करके ग्रीक लोगों ने इन गेम्स को दुनिया के लिए ओपन कर दिया एक इस तरह का कंपटीशन है कि दुनिया भर से लोग आते हैं दुनिया भर से प्लेयर्स आके एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं बेस्ट के लिए तो इनमें कौन से कौन से खेल थे इनमें डिस्कस थ्रो हुआ करता था हॉर्स चैरिट रेसेस रेसलिंग बॉक्सिंग और टाइम के साथ इसमें अलग अलग चीज़ें जुड़ती गई द एंशियट इवेंट ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशन यूज टू बी हेल्ड एट द ओलंपिया द एंशियट ग्रीक सिटी टू बी एबल टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स एंड बी अ विनर इज सपोज टू बी अ ग्रेट ऑनर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन तो अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को भी पूछेंगे जो ज्यादातर मैदानी खेल खेलते हैं एथलेटिक्स में जो होते हैं तो उनसे अगर पूछा जाएगा आपका सबसे बड़ा सपना क्या है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल ओनली से दैट ही वुड लाइक टू विन अ गोल्ड विन एनी मेडल मे बी इट इज़ गोल्ड इट इज सिल्वर और ब्रॉन्ज इन द ओलंपिक गेम्स सो दिस इज सपोज टू बी लाइक अ ग्रेट ऑनर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिज और कंट्री so now let us understand what is the importance of sports see to play games is very important for us it enables us to overcome suffering and worries तो so, कोई भी खेल खेलना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है इससे हम अपनी ज़िंदगी में जो सफरिंग है जो वरीज़ है टेंशन होता है डिप्रेशन होता है कई सारी चीज़ें स्पोर्ट्स के वजह से ख़त्म हो जाती है गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश आर माइंड गेम्स इन्वॉल्व लॉड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज एज वेल तो ये जो गेम्स होते हैं ये हमारे माइंड को रिफ्रेश कर देता है फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बॉडी के लिए सो समी कोटेड लॉन्ग टाइम टू लिव अ हैप्पी लाइफ यू शुड हैव अ स्ट्रॉग बॉडी एज वेल एज फिट माइंड सो इट इज लाइक दैट ओके तो गेम्स हेल्प इन बिल्डिंग अ टेनाशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी प्लेइंग गेम्स ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग करेज डिटर्मिनेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप तो गेम्स खेलने से क्या होता है कि हमारी बॉडी ही ना ही हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है बल्कि हमारा माइंड भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो so, अलग अलग गेम्स खेलने से हमें हिम्मत आती है हमें डिटर्मिनेशन विल पावर बढ़ता है और एक स्पोर्ट्समैनशिप भी बढ़ता है जिस स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब है कि ये खेल खेलना जीत और हार तक सीमित नहीं रहते हैं आप खेल खेलिए स्पोर्ट्समैनशिप के लिए ना कि जीतने के लिए लेकिन उसमें जो एंटरटेनमेंट है छुपा रहता है उसमें जो क्वालिटीज़ आपकी डेवलप होती है उस चीज़ों के लिए गेम्स नीडिंग कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हेल्प अस टू डेवलप अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट तो ना कि अकेले खेलने वाले खेल लेकिन टीम में खेलने वाले खेलों से भी कोऑपरेशन बढ़ता है और टीम स्पिरिट डेवलप होता है इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग लीडरशिप तो टीम मेंबर्स का साथ लेके आप जो गेम्स खेलते हैं उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हद पे डेवलप हो जाए सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट सम टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स सो स्पोर्ट्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स तो स्पोर्ट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं एक जो वो गेम्स जो किसी भी चार दीवारी के अंदर खेले जाते हैं स्टेडियम में खेले जाते हैं वो होते हैं आउटडोर गेम्स जो घर के बाहर होते हैं किसी चार दीवारी के बाहर होते हैं वो है आउटडोर गेम्स जिसे हम मैदानी खेल भी कहते हैं तो पहले हम देखेंगे वॉट आर इंडोर गेम्स सी इंडोर गेम्स आर प्लेड विद इन अ क्लोज एनवायरमेंट एंड अ नंबर ऑफ देम आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस तो देखा जाता जाए तो इंडोर गेम्स वो गेम्स होते हैं जो किसी भी क्लोज एनवायरमेंट जैसे किसी के रूम में खेले जाते हैं और ये गेम्स ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह पर बैठ के खेले जाते हैं दे इंक्लूड चेस कार्ड गेम्स गेम्स प्लेड विद गेम्स मैन एंड डाइस देन यू हैव द कैरम एक्सेट्रा तो ये सारे गेम्स उन गेम्स में चुने जाते हैं जो इंडोर गेम्स में आते हैं जैसे चेस है कैरम है सो द गेम्स नोन बाई वेरियस नेम्स आर कच्चा कवड़ा और चौक बारा और एज इंडियन लूडो इज़ वेरी पॉपुलर अमंग इंडियंस तो ये सारी गेम्स तो मॉडर्न टाइप्स के गेम्स हैं जैसे कैरम है चेस है या कार्ड्स है लेकिन कुछ पुराने गेम्स जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं बहुत लोगों को पता ही नहीं होंगे कौन से गेम्स हैं जैसे कच्चा कौड़ा होता है उसे चौक बारा कहते हैं इसे इंडियन लूडो की तरह भी खेला जाता है द गेम नोन एज सागर गोटी प्लेड विद बंच ऑफ सीड्स और स्टोन्स इज यूजली प्लेड बाय गर्ल्स तो ये सागर गोटी नाम का भी खेल बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र में उसके बाद है देर इज अना गेम नोन एज द भातुकली प्लेइंग हाउस विच इज़ यूजली प्लेड बाई गर्ल्स तो ये भातुकली का खेल बचपन में कई सारी लड़कियाँ लड़कियाँ जो, लड़किया जो पुराने जमाने में औरतें होती थी ये बचपन में ये भातुकली का खेल खे, खेला करती थी तो ये सारा खेल लड़कियाँ खेला करती थी हवेवर ऑल द मेम्बर्स इन द फैमिली कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट स्पेशली इन द मॉक वेडिंग ऑफ अ गर्ल डॉल एंड अ बॉय बॉय डॉल तो ये मॉक वेडिंग का खेल भी जैसे हम गुड्डा गुड़िया का Uh, की शादी रचाना कहते थे उसमें पूरी फैमिली uh, भी पार्टिसिपेट करती थी तो ऐसे कई सारे खेल इंडिया में खेले जाते थे सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द भातुकली का गेम uh, जैसे हम भातुकली भी कहते थे आप देख सकते हैं छोटी छोटी लड़कियों को बचपन से ही हाउस uh, होल्ड का खेल खिलाया खेल जाता था इसे भातुकली का खेल खे, uh, कहते हैं उसके बाद है दिस पर्टिकुलर गेम इज नोन एज दी कच्चा गाउड़िया और द चौक बारा गेम विच इज़ ऑल्सो एन एंटीमेशन ऑफ इंडियन लूडो यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर पीसेस आर कलेक्टेड ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजली कैन बी एनी ऑब्जेक्ट्स तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो सकते थे पत्थर हो सकते थे या टैमरिन की सीड्स हुआ करती थी या कोई भी अलग सी सीड्स हुआ करती थी सो so आप देख सकते इस पिक्चर में कि देर आर फोर टैमरिन सीड्स हम uh, चिंस की गोलियाँ कहते हैं इनसे खेला जाता था उसके बाद दिस इज मोर अनादर एडप्टेशन ऑफ द इंडियन लूडो गेम तो ये कैसा इंडियन लूडो होता था, था आप देख सकते हैं या अपना अलग ही इसे इसके प्लेइंग रूल्स भी बताए गए हैं ड्यू टू द कोरोना पैंडमिक मोस्ट ऑफ अस आर वेरी बिजी प्लेइंग द लूडो गेम लूडो गेम चेस हो कैरम हो कोरोना के वजह से वापस पुरानी यादें ताजी हो जाए सो दिस इज द कार्ड गेम यूजली प्लेड ड्यूरिंग द वेडिंग्स और एनी ओकेजन्स इन बोथ वॉट इज अ ट्रेडिशनल वे एन द मॉडर्न मेथड कई सारे अलग अलग किस्म के प्रकार के खेल है ये उसके बाद है कैरम सो कैरम इज वेरी ट्रेडिशनल गेम प्लेड इन इंडिया नाउ वट इज ऑल्सो कैरम हैज़ बिकम इट्स प्लेड लाइक एन इंटरनेशनल स्पोर्ट एंड इट हैज रीच्ड फार एंड वाइड प्लेसेस तो ना कि इंडिया में तो इंडिया के बाहर भी लोग कैरम में टस ले रहे हैं उसके बाद है दिस इज ऑल्सो अनादर एग्जाम्पल कच्चा को चौक बारा गेम डिफरेंट इंटीमेशन सो आप देख सकते अलग अलग टाइप में सो so, ये डाइस ये, ये चार सी शेल्स या कावरी शेल्स कहते हैं सो दिसल्स वर यूज एक्चुअली एस डाइस फॉर द गेम